हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर टमाटो स्क्रब के बारे में बताने जा रहा हूँ। टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए यह ग्लोइंग स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। टमाटर और दूध मिलाकर लगाने से क्लींजिंग का काम करता है। यह क्लींजर न सिर्फ त्वचा से तेल निकालता है, बल्कि इससे डेड स्किन सेल्स भी हट जाती है। इससे चेहरे के निशान भी दूर होते हैं और साथ ही रूप भी निखरता है। दोस्तों, स्क्रब बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए टमाटर का पल्प, जो कि आप 1 चम्मच टमाटर का पल्प लें और फिर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें और इसमें मिलाएं 1/2 चम्मच नींबू, नींबू का रस। 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाने के बाद में इसमें थोड़ा सा हमें शहद मिलाना है। शहद मिलाने के बाद में अब इसे थोड़ा मिक्स कर लें। दोस्तों, इसे मिक्स करने के बाद में फिर अपने हाथों की उंगलियों से इस प्रकार इसे लेकर अपनी फेस पर हल्के हाथों से इसे मसाज करें। या आप इसे कॉटन की सहायता से भी लेकर हल्के हाथों से इसे मसाज कर सकते हैं और इसे अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसे 15 मिनट बाद ठंडे पानी से इसे साफ कर दें, धो दें। इसके बाद में आप देखोगे आप अपनी निखरी हुई त्वचा। और दूसरी मेरी टिप्स है दोस्तों, उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर 1/2 कटा हुआ टमाटर, जो कि ये मेरे पास है। इस टमाटर को लेके इस पर जो थोड़ी सी चीनी लगाकर इस प्रकार से चीनी लगाकर और इससे जो अपने स्किन पर अपने फेस पर हल्के हाथों से स्क्रब करिए। दोस्तों, इस स्क्रब को करने से यह स्क्रब की तरह काम करता है और चेहरे को चमकीला और कोमल बनाता है और यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्क्रब है। इसे जो है 6-7 मिनट तक के लिए स्क्रब करने के बाद में फिर इसे जो कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें और इसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो दें। ऐसा करने से आपकी स्किन जो है चमकदार और मुलायम बनेगी। अब दोस्तों, मेरी अगली विधि है, इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच टमाटर का पल्प और इसमें चाहिए थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा 1/2 चम्मच दूध। दोस्तों, इसे डालने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद में आप रुई की सहायता से इसे जो है रुई लेकर हल्के हाथों से इस पर रुई पर लगा के इसे और अपने हाथों पर इसे या अपने फेस पर अप्लाई करें। इसे जो है इस प्रकार से लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। 15-20 मिनट बाद इसे जो ठंडे पानी से धो दें। ऐसा करने से दोस्तों आप पाओगे अपनी कोमल निखरी हुई त्वचा और साथ ही दोस्तों ये आपके दाग धब्बों को भी दूर करने में आपकी अच्छी खासी मदद करेगा। दोस्तों, आप इस प्रकार से इन उपायों को अपना कर अपनी स्किन को चमकदार